नमस्ते मनोज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैं हमेशा अपने लक्ष्य पे कॉन्सेंट्रेटेड कैसे रहूं और उससे मतलब कई बार मन डाइवर्ट हो जाता है, तो उससे कैसे बचूं? बहुत अच्छा सवाल है। अपने लक्ष्य के प्रति कॉन्सेंट्रेट कैसे रहूं, मन को डाइवर्ट होने से कैसे बचाऊं? तो देखो, लक्ष्य के प्रति अपनी एकाग्रता बनाए रखने के लिए सबसे पहला साधन है संकल्प। पक्का संकल्प लेकर के चलो, जो संकल्प मन में जग जाए वो संकल्प बनाओ, उसे खंडित मत होने दो। जो काम हम करने के लिए आगे बढ़े हैं, जिस लक्ष्य के साथ चले हैं, वो वैसा संकल्प लो और उसको अपनी प्रायोरिटी में रखो कि अभी पहले ये मुझे करना है। फिर उस लक्ष्य में जो भी बाधा और डिस्टर्बेंस लगते हैं, जिससे डिस्ट्रैक्शन होता है, उन निमित्तों से अपने आप को बचाओ। जैसे मान लो तुमने पढ़ाई करने का लक्ष्य लेकर के अपना काम शुरू किया और पढ़ाई करते करते बाजू में मोबाइल रखोगे तो ध्यान मोबाइल की तरफ जा सकता है। तो अभी मुझे पढ़ाई करना है, तो 1 घंटे के लिए मैंने पढ़ने का मन बनाया है, तो 1 घंटा मुझे केवल पढ़ाई करनी है और उस समय बाकी चीज़ों को एक तरफ करना है, उसे दूर करके बैठो ताकि मन भागे भी नहीं। और मन भागने लगे तो मन को मोटिवेट करो कि ये समय मेरे पढ़ाई का है और इस समय मुझे केवल पढ़ाई करना है, तुम्हारी बातें बाद में सुनेंगे। समझ गए? इससे मन में स्थिरता होती है। तो लक्ष्य की पूर्ति के लिए पहली बात संकल्प, और दूसरी बात उसी संकल्प को अपने जीवन की प्राथमिकता बनाना, और तीसरी बात लगन, उसमें लगन लगाना। लगनशीलता के साथ लग जाओगे तो किसी भी लक्ष्य की पूर्ति में बाधा नहीं होगी। बस मुझे ये करना है, करना है, करना है, करना है, ऐसी धुन मन में बने। और चौथी बात, भावना योग करो और उसमें हर पल ये बात दोहराओ, मुझे अपना लक्ष्य पाना है, मुझे अपना लक्ष्य पाना है। तो फिर समाधान मिल जाएगा।